हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसी में, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट और ओम्स लॉ चल रहा है। इसमें लास्ट टाइम हमने प्रतिरोधों का संयोजन आपको कराया था, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में अगर हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो प्रतिरोधों का मान बढ़ जाता है, यानी कि अगर हमारे तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, और अगर हम उनको समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो समांतर क्रम में जोड़ने पर जो हमारा तुल्य प्रतिरोध है वो घट जाता है, अर्थात 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। नाउ लास्ट, इसमें लास्ट टॉपिक है हमारा, लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। इसमें हम डिस्कस करेंगे कार्बन प्रतिरोध। पहले हम कार्बन प्रतिरोध के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर करेंगे विद्युत ऊर्जा और जूल का नियम, और हम व्यवहारिक जो आप बिजली के बिल देते हैं, जो फैक्ट्रियों में, कंपनियों में, घरों में, अस्पताल में, जिसमें भी हम बिल देते हैं वो यूनिट के हिसाब से देते हैं, तो वो यूनिट क्या होती है आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन प्रतिरोध की। अब देखिए, जब हम बड़े प्रतिरोध, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में हमें बहुत ज्यादा ऊंचे प्रतिरोध की जरूरत पड़ती है, और जब ऊंचे प्रतिरोध हमें चाहिए तो अगर हम चालक तार ले, तार का इस्तेमाल करें प्रतिरोध के लिए, तो हमें बहुत लंबा तार चाहिए, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम उसमें एक ऐसा प्रतिरोध बनाते हैं जो सस्ता भी हो, आकार में छोटा भी हो, सस्ता भी हो और आकार में छोटा भी हो। तो इस प्रतिरोध को बनाने के लिए हम अर्धचालक कार्बन का इस्तेमाल करते हैं, और इस प्रकार बने प्रतिरोध को हम कार्बन प्रतिरोध कहते हैं। अब हम ये बेची जाती है कि हम कार्बन प्रतिरोध जो हमारा है उसका कैसे पता करेंगे कि ये हमारा कितने प्रतिरोध का है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। भाई, कार्बन प्रतिरोध जो होता है हमारा, उस पर चार पट्टियां होती है अलग अलग रंगों की, ठीक है। अगर मैं कार्बन प्रतिरोध को बनाऊं तो यहां पर देखिए, ये हमारे कार्बन प्रतिरोध की फिगर होगी, ये हमारा कोई कार्बन प्रतिरोध है, ये इसके दो तार होते हैं, एक तार ये और एक तार ये, ठीक है। इसमें यहां पर चार पट्टियां होती हैं, एक पट्टी ये, एक पट्टी ये, एक पट्टी ये और एक पट्टी ये, इस तरह चार पट्टियां होती हैं, ठीक है। अभी चार पट्टियां अलग अलग कलर की होती हैं, इनके रंग जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ये पट्टी मैंने माना ए, ये पट्टी माना बी, और ये पट्टी सी, और ये पट्टी डी। ये जो हमारे कार्बन प्रतिरोध होते हैं, इनका प्रतिरोध कुछ ओम से लेकर लगभग 100 मेगा ओम तक होता है, यानी कि बहुत बड़ा प्रतिरोध होता है इसका, तो हम कार्बन प्रतिरोध का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, हम कैसे पता करेंगे कि ये हमारे पास प्रतिरोध है, कि इसका प्रतिरोध कितना है, ठीक है। तो हम बता देते हैं कि इसमें चार पट्टियां होती है, एक पट्टी ए, एक पट्टी बी, एक पट्टी सी, एक पट्टी डी। अब इस तरह प्रतिरोध होगा, ये हमारी पहली पट्टी कार्बन प्रतिरोध के जब हम मान लिखेंगे उसके पहले अंक को बताती है, जैसे पहला अंक हो गया ए, मान लिया इसका प्रतिरोध निकाल रहे हैं तो इसका प्रतिरोध का पहला अंक हो गया ए। अब दूसरी पट्टी है बी, तो दूसरा अंक हो गया हमारा बी, ठीक है, दूसरा अंक हमारा होता है बी, ठीक है। अब तीसरी पट्टी जो है ये हमारी दशमलव अंश को बताती है, तो तीसरी पट्टी में हो जाएगा गुणांक 10 की पावर। अब सी का मान जो होगा, रंग कलर वो देख लेंगे, उसकी घात लगा देंगे 10 की पावर सी, और ये हो जाएगा प्लस माइनस डी, ये इसकी सहनशीलता होती है। तो डी पट्टी जो है हमारी केवल तीन, या तो इसका कोई कलर नहीं होगा, या फिर इसका सुनहरा और या चांदी के कलर का होगा, या सिल्वर कलर होगा, या गोल्डन होगा, या इसका कोई कलर नहीं होगा। अब इसके रंगों का कैसे नंबर देते हैं, इन रंगों के लिए, रंगों हमारे कौन कौन से होते हैं, रंगों के लिए देखिए, ब्लैक, ब्राउन, ब्लैक मींस काला, ब्राउन भूरा, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, और फिर गोल्ड, सिल्वर और नन, कोई कलर नहीं, ठीक है। यहां स्टार्ट करते हैं जीरो जीरो, ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब यहां का सुनहरा, सुनहरे के लिए सहनशीलता जो होती है वो +-5% और चांदी के लिए +-10
10% और कोई कलर नहीं है तो इसका हो जाएगा प्लस माइनस 20%। ठीक है, इसको याद करने का तरीका क्या है, कलर हम कैसे याद करेंगे इतने सारे, तो उसके लिए एक सेंटेंस दिया है, एक सेंटेंस हम याद कर सकते हैं। सेंटेंस क्या है, बी बी रॉय आर ओ वाई, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वेयरिंग ए गोल्डन सिल्वर नेकलेस। ठीक है, तो यहां से मैं अगर लू बी बी रोए, ये बी बी रोए हो गया, ठीक है, बी बी रोए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वेयरिंग ए गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ठीक है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वेरिंग ए गोल्ड वेरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ठीक है, याद करने का तरीका इसको है कि बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वेयरिंग ए गोल्ड सिल्वर नेकलेस, इस तरह हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब सपोज करो एक कार्बन पेट्रोल है, हमारा कार्बन पेट्रोल है, इसकी पट्टी का रंग हमारा ये नीला है, ये पट्टी का रंग हमारा लाल है, ठीक है, इस पट्टी का रंग हमारा पीला है, ठीक है, इस पट्टी का रंग हमारा येलो ले लिया हमने, येलो ले लिया, इस पट्टी का रंग ग्रीन है, ठीक है, और ये हमारी पट्टी हो गई गोल्ड कलर की, सिल्वर कलर, सुनहरे कलर की। ठीक है, इस तरह आपको जो वो दिखाई देगा आपको ये नोट करेंगे। ठीक है, तो ये लाल पीला ग्रीन गोल्ड, अब लाल के लिए कौन सा नंबर है, दो, इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, इसका प्रतिरोध हो जाएगा दो, आगे आया पीला, पीले कलर के लिए चार, फोर इंटू, आगे आया हमारा ये सी, सी का है ग्रीन, ग्रीन का पांच, दस की पावर पांच और फिर आगे है प्लस माइनस डी, डी का गोल्ड, गोल्ड का मीन्स 5 प्लस माइनस 5% ओम, ये हमारा प्रतिरोध उसका हो गया 24 × 10⁵ प्लस माइनस 5%। ठीक है, तो इस तरह हम क्या निकालते हैं, किसी का भी प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा, ये हमारा कार्बन प्रतिरोध याद करने का मेथड है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक शुरू होता है विद्युत ऊर्जा तथा जूल का नियम। देखिए, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं या किसी चालक से बैटरी को जोड़ते हैं तो बैटरी से करंट लेता है तो आवेश प्रवाहित होता है, और आवेश प्रवाहित करने के लिए कार्य करना पड़ता है, और उस कार्य करने के लिए ऊर्जा ली जाती है, और वो ऊर्जा बैटरी से ली जाती है। अब क्या होता है, परिपथ में जो हमारे वो है उसमें क्या होता है, ये ऊर्जा हमारी ऊष्मा में बदल जाती है, यानी कि उसको दी गई ऊर्जा हमारी ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है, तो इसी को हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। यानी कि तार में प्रवाहित आवेश प्रवाहित करने, धारा प्रवाहित करने के लिए जो ली गई ऊर्जा है उसी को हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं, ऊष्मा ऊर्जा कहते हैं, और इसे हम जूल का ऊष्मा जूल नियम कहते हैं। यानी कि जो ऊर्जा है किसमें बदल जाती है, हमारी ऊष्मा में, जैसे हीटर है तो हीटर में जो हमारी ऊर्जा ली जाती है वो ऊष्मा में बदल जाती है, तो ये ऊष्मा जूल ऊष्मा कहलाती है। अब ये हमारा कोई परिपथ है, किसी परिपथ में हमने विभवांतर V स्थापित किया, V स्थापित करने पर उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, धारा I प्रवाहित होती है, मतलब टी समय में उसमें क्यों आवेश प्रवाहित हुआ, विभवांतर आपने लगाया बी, विभवांतर हमने लगाया उस पर वी, ठीक है, वी विभवांतर लगाने पर
उसमें ऊर्जा, उसमें आवेश Q t समय में Q आवेश प्रवाहित होता है, Q आवेश प्रवाहित होता है, यानी कि आवेश प्रवाहित तो कितना होता है T, Q आवेश प्रवाहित है T समय में, तो इसमें धारा कितनी हो जाएगी, धारा I बराबर हो जाएगी Q अपॉन T, यानी कि Q बराबर I T, यानी कि T समय में प्रवाहित आवेश कितना होगा, Q बराबर I T। तो ऊर्जा कितनी होगी, बैटरी से ली गई ऊर्जा, ऊर्जा के लिए फॉर्मूला कहते हैं W बराबर होता है आपका V बराबर होता है W अपॉन Q, तो W बराबर हो जाएगा Q इंटू वी, ठीक है। अब Q किसके बराबर है, I T के, तो W बराबर हो जाएगा हमारा I इंटू T इंटू वी, तो W बराबर वी आई टी, ये हमारी आ जाएगी ऊर्जा जूल में, ठीक है। तो अगर हम किसी चालक के सिरों पर भी विभवांतर लगाए और उसमें धारा टी समय में आई प्रवाहित हो, तो टी समय में उससे ली गई ऊर्जा डब्लू बराबर कितना होता है, डब्लू बराबर वी आई टी के बराबर होता है, ठीक है। अब यहां से आप जानते हैं दूसरा वर्ग वी और आई रिलेशन, यदि हम इसको उसके दूसरे रूप में लिखे, चूंकि वी बराबर होता है आई आर, अब जानते हैं, तो यहां V की जगह आई आर रख दो, तो W बराबर हो जाएगा आई आर इंटू आई इंटू टी, तो आई 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 स्क्वायर में W बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला आ गया, ये I और R के रूप में आ गया, कैपिटल R और I के रूप में, ठीक है। अब अगर हम V और R के रूप में लिखें, तो I को लिख दें, अब चूंकि I बराबर होता है V अपॉन R, तो I की जगह V अपॉन R रख दें यहां पर, तो हो जाएगा हमारा W बराबर V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, ये जूल। तो हम तीनों प्रकार से हम ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं, इसी को वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो W बराबर V स्क्वायर अपॉन R T, W बराबर I स्क्वायर R T और W बराबर V I T। अब अगर ये ऊर्जा हमारी ऊष्मा में परिवर्तित हो रही हो, तो आप जानते हैं कि J से भाग कर दे तो हमारी ऊष्मा में बदल जाता है, क्यू बराबर डब्ल्यू अपॉन जे, फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बराबर जे इंटू क्यू, जे का मान 4.2 जूल प्रति कैलोरी होता है, तो फिर हमारी ऊष्मा कैलोरी में परिवर्तित हो जाएगी, कैलोरी, ठीक है। तो यहां हम अगर हम क्यू बराबर डब्ल्यू अपॉन जे हो जाएगा या डब्ल्यू अपॉन 4.2 यह आ जाएगी हमारी कैलोरी है, ठीक है। अब डब्ल्यू के तीनों फॉर्मूले अगर हम रख दे यहां पर, तो हमारा Q बराबर हो जाएगा, पहला फॉर्मूला रखे W का VIT बटे 4.2 कैलोरी, दूसरा रखे तो जाएगा I स्क्वायर RT अपॉन 4.2 कैलोरी, ठीक है। तीसरा वाला फॉर्मूला हम रखे, तीसरा हमारा V स्क्वायर अपॉन RT है, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन RT कैलोरी। तो इस तरह हम ऊष्मा निकाल सकते हैं, इसे वैद्युत ऊष्मा, विद्युत ऊर्जा द्वारा प्राप्त ऊष्मा कहलाती है। अब आगे बात करते हैं वैद्युत शक्ति की, वैद्युत शक्ति क्या है, वैद्युत शक्ति, शक्ति आप जानते हैं कि कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं। अब यह शक्ति क्या, ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, तो वैद्युत ऊर्जा की दर को ही हम वैद्युत शक्ति कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा की दर को ही वैद्युत शक्ति कहते हैं, और वैद्युत शक्ति P बराबर वैद्युत शक्ति, वैद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर, P बराबर ये होता है हमारा W अपॉन T, P बराबर W अपॉन T। अब मात्रक क्या होगा, जूल प्रति सेकंड, या इसको कहते हैं जूल प्रति सेकंड, या इसका मात्रक हो जाएगा वाट, इसको हम वाट से लिखते हैं वाट, और इसका सिंबल हम W इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप बहुत सारे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, सब पर लिखा होता है कि 100 वाट, 250 वाट, 300 वाट। हम बल्ब लेने जाते हैं मार्केट में, एलईडी बल्ब लाते हैं कि जी 8 वाट का दीजिए, तो 8 वाट उसकी शक्ति होती है, यानी कि वो पावर कितनी लेता है, वो 8 वाट, एक सेकंड में 8 जूल पावर लेता है, ठीक है, मान पी बराबर डब्ल्यू के, तो इसलिए कितना, एक सेकंड में वो 8 वाट पावर, 8 जूल शक्ति वो खर्च करता है ऊर्जा, ठीक है। तो ये था पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी, और मात्रा किससे क्या होता है, वाट होता है। अगर विभव सूत्र लिखे, जूल का लिख देंगे ML2T की पावर -2,
और नीचे t आ जाएगा, तो ML2T^-3 ML2T^-3 ये इसका विमीय सूत्र हो जाता है शक्ति का। ठीक है, अब इसका हम फार्मूला लिखें इसके रूप में। अब W बराबर तीन फार्मूले हैं, VIT और W बराबर I^2RT और W बराबर V^2RT। ठीक है, तो अब यहां P बराबर W/T है, तो यहां W/T करेंगे तो T भाग हो जाएगा, तो क्या बचेगा, VI बचेगा। इसको T से भाग करेंगे तो T भाग हो जाएगा, I^2R बचेगा, और यहां T से भाग करेंगे तो T भाग हो जाएगा, V^2R बचेगा। तो हमारे तीन फार्मूले हो जाएंगे P बराबर VI, ठीक है, और P बराबर वहां से I^2R, और तीसरा हो जाएगा P बराबर V^2R। तो ये हमारे तीन फार्मूले हो जाएंगे शक्ति के। अगर हम किसी परिपथ में, परिपथ में जो हमारा वो परिपथ है या हमारा वो अप्लायंस है, उसमें V विभाग पर लगा रहे हैं और उसमें धारा I प्रवाहित हो, तो उसके द्वारा ली गई शक्ति P बराबर VI हो जाएगी। और अगर उसका प्रतिरोध पता हो, धारा पता हो, P बराबर I^2R, और अगर विभाग पर उसका प्रतिरोध पता हो तो P बराबर V^2R होता है। अब इसके बड़े और छोटे मात्रक होते हैं। बड़ा मात्रक किलोवाट मेगावाट है, और छोटा मात्रक जो है इसका ओ सॉरी असु बड़ा एक बड़ा मात्रक असु शक्ति जैसे हॉर्स पावर कहते हैं। जैसे मोटर को 4 हॉर्स पावर का है, 5 हॉर्स पावर का है, 7.5 हॉर्स पावर का है, तो मोटर से उसको शक्ति से नापते हैं। तो यहाँ 1 किलोवाट बराबर होता है 10^3 वाट। 1 किलोवाट यानी जैसे kW लिखा होता है बराबर 10^3 वाट। और दूसरा एक मेगावाट इज इक्वल टू होता है MW, और MW बराबर होता है 10^6 वाट के। ठीक है, और तीसरा जो होता है हमारा एक हॉर्स पावर यानी कि असु शक्ति हॉर्स पावर HP बराबर होता है 746 वाट के होता है। ठीक है, तो इस तरह हमारे ये इसके बड़े मात्रक होते हैं शक्ति के, किलोवाट, मेगावाट और असु शक्ति। ठीक है, इसके बाद विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक, यानी कि घरेलू कार्यों या औद्योगिक कार्यों के लिए जो विद्युत ऊर्जा प्रयुक्त होती है उसका जो हम बिल देते हैं वो किस प्रकार, वो मात्रक हमारा किलोवाट घंटा या यूनिट या BTU, इसे BTU होता है बेटी स्टैट यूनिट, BTU का प्रयोग करते हैं बेटी स्टैट यूनिट हम उसका इस्तेमाल करते हैं इसमें। ये क्या चीज है, 1 किलोवाट घंटा क्या होता है? अगर हमारा कोई परिपथ है, कोई भी अप्लायंसेस है, कोई भी मशीन है, उसकी शक्ति 1 किलोवाट है, शक्ति कितना है 1 किलोवाट, और उसको हम 1 घंटे तक इस्तेमाल करें, 1 घंटे इस्तेमाल करें, 1 घंटे तक ऊर्जा दें उसको विद्युत ऊर्जा, तो उसके द्वारा की गई खर्च शक्ति वो होती है 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट होती है। ठीक है, इसको हम किलोवाट घंटा या यूनिट कहते हैं। तो यूनिट की डेफिनेशन है 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट ऊर्जा की वह मात्रा है, ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट शक्ति का एक शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में प्रवाहित होती है, 1 किलोवाट शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में प्रवाहित होती है, इसे हम 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट कहते हैं। अब हम किलोवाट घंटा यूनिट की संख्या कैसे निकालते हैं, तो किलोवाट घंटा या यूनिटों की संख्या बराबर कैसे निकालते हैं हम, तो बराबर होता है हमारा वाट गुणा घंटे बटे 1000, वाट गुणा घंटे बटे 1000, यानी कि वो जो आपका परिपथ है जिसमें आप प्रवाहित कर रहे हैं या जो अप्लायंस आप इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंस, उसकी शक्ति कितनी है और कितने घंटे तक इस्तेमाल किया है उसको 1000 से भाग कर दो, तो ये हमारा यूनिटों की संख्या आ जाती है। ठीक है, दूसरा अब जानते हैं P बराबर VI होता है, तो यह हो जाएगा दूसरा वोल्ट गुणा एम्पियर गुणा घंटे
घंटे बटे 1000। यानी कि सपोज करो आपने 200 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया उसमें, और उसमें 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, और उसको हम 10 घंटे तक इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने उसको 200 वोल्ट का विभवांतर लगाया, 200 वोल्ट, ठीक है, उसमें शक्ति धारा जो है हमने 2 एम्पीयर प्रवाहित की, ठीक है, और 10 घंटे तक हमने इस्तेमाल किया बटे 1000, तो कितनी यूनिट बिजली खर्च हुई, यूनिट कितनी खर्च होगी, तो यहां 3 0 ये खत्म हो गई, तो 2 × 4, तो यहां कितनी यूनिट खर्च होगी, आपकी 4 यूनिट खर्च होती है, और फिर यूनिट के हिसाब से आप बिल देते हैं, जो बिल आता है यूनिट के हिसाब से आता है, जो गवर्नमेंट का रूल के अनुसार, कहीं घरेलू अलग होता है और जो आपका ये औद्योगिक वाला होता है, कॉमर्शियल होता है, उसका अलग होता है। जैसे घरेलू का सपोज करो 5 रुपए पर यूनिट है, 5 रुपए पर यूनिट का मतलब आपने खर्च कर दी 4 यूनिट, तो कितना रुपए बिल हो गया, 5 × 20। इसी तरह हम अपने घर के परिपथ का लोड देख सकते हैं, यानी कि हमारे घर कितनी यूनिट बिजली खर्च होती है, कितना बिल आना चाहिए, तो हम अलग अलग देख सकते हैं। सपोज करो फॉर एग्जाम्पल मैं किसी के घर की बात करूं कि एक घर है उसमें हमारा क्या क्या इस्तेमाल होता है, फ्रिज इस्तेमाल होता है, वॉशिंग मशीन इस्तेमाल होती है, वॉशिंग मशीन, कूलर इस्तेमाल होता है, कूलर, पंखे, बल्ब इस्तेमाल होते हैं, बल्ब, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें जो इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। अब फ्रिज जो है हमारा, सपोज करो फ्रिज हमारा 600 वाट का है, फ्रिज हो गया हमारा 600 वाट, ठीक है, वॉशिंग मशीन होगी हमारी 500 वाट हो गया, ठीक है, कूलर हो गया हमारा 600 वाट का, कूलर 600 वाट हो गया, ठीक है, पंखे इस्तेमाल किए वहां पर वाले 5 पंखे हैं, और एक पंखा सपोज करो 60 वाट का है, क्योंकि आप आजकल इन्वर्टर पर यूज करते हैं, तो इन्वर्टर के लिए हम कम वाट के पंखे लाते हैं, तो सपोज करो 60 वाट का है, तो 60 वाट का प्रत्येक पंखा हो गया, तो 5 × 30 300 वाट हो गया, और हमारे सपोज करो घर में 10 बल्ब यूज हो रहे हैं, और 10 बल्ब यूज हो रहे हैं, और 10 वाट के हमने बल्ब इस्तेमाल किए, 10 वाट के, तो ये हमारा 100 वाट हो गया, ठीक है। अब मैं मेजर करूं कि कुल हमारा लोड कितना हो जाएगा, तो कुल लोड कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 11 × 6 = 17 × 3 = 20 + 1 = 21, और ये 2 0 2100 वाट हो गया, यानी कि वो जो हमारा कितना हो गया, 2100 वाट हो गया। अब हम डेली जो है सपोज करो इसको 10 घंटे यूज करते हैं, यानी कि इनको हम 10 घंटे इस्तेमाल करें डेली, यानी कि जो लाइट आती है हमें वो 10 घंटे मिलती है, ठीक है। तो हमारा एक दिन का कितना यूनिट बिजली खर्च होना चाहिए, तो एक दिन का हमारा हो जाएगा, एक दिन का क्या है, वाट गुणा घंटे बटे 1000, तो हमारे यूनिटों की संख्या कितनी आएगी, यूनिट संख्या इसी कर दो, एक दिन की आएगी 2100 गुणा घंटे 10 और बटे 1000, तो 1000 से 3 0 ये भाग हो गई, तो ये बचा 21 यूनिट। यानी कि हम एक दिन में डेली कितने यूनिट खर्च कर रहे हैं, 21 यूनिट खर्च कर रहे हैं, 21 यूनिट डेली। अब अगर हम इसके महीने के निकालें, तो एक महीने का हो जाएगा, एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन का हो जाएगा 21 × 30 0 3 × 3 और 3 × 6, यानी कि 630 यूनिट हम हर महीने खर्च कर रहे हैं, ठीक है। अब बिल हमारा कितना चाहिए, सपोज करो हमारा 5 रुपए प्रति यूनिट है, कितना है, 5 रुपए प्रति यूनिट बिल हमारा, 5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से हम भुगतान करते हैं, तो ये हो जाएगा, तो कुल भुगतान कितना करेंगे, हम पे कितना करेंगे, 630 × 5 = 0, 5 × 1 = 31, 3150 रुपए हम बिल का भुगतान करेंगे। इस तरह हम अपना बिल भी चेक कर सकते हैं कि हमारा कितना बिल आना चाहिए, हम कितने इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखते हैं यहां हम ये जो हम फ्रिज तो हमारा रेगुलर इस्तेमाल होता है, वॉशिंग मशीन हमारी कम टाइम के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है, कूलर पंखे गर्मियों में हम लगातार इस्तेमाल करते हैं, तो जो जितना ज्यादा इस्तेमाल होगा उतना ही ज्यादा वो आ जाएगा। तो ये मैंने समरी बता दी कि हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये पता भी कर सकते हैं कि हमारे घर कितना बिल होना चाहिए, कितना होना चाहिए।
ओके कल हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में अपने नेक्स्ट लेक्चर में, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बताएंगे, तो ये हमारा चैप्टर जो है या इसकी थोड़ी फिनिश होती है, तो नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस ये करेंगे। थैंक यू वेरी मच।